अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और ये मेरी रमज़ान की पहली व्लॉग है और आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब के रोज़े नमाज़े कबूल फरमाए। तो बस जी, अब हम लोग मार्केट जाएंगे, कुछ थोड़ा सामान चाहिए था मुझे। काफ़ी दिनों से जाना चाह रही थी, नहीं जा सकी, तो आज टाइम मिला तो आज जा रही हूँ मैं। तो बस ये बच्चों को रेडी कर लिया है, रूम भी साफ़ हो गया है और अब मैं खुद तैयार होंगी। फिर मैंने नमाज़ और तरावियाँ पढ़नी, आज लेट हो गई थी क्योंकि बाज़ार चली गई थी तो कोई काम, सारे काम रह गए थे। तो जी ये बता रही थी मैं कि ये मैंने बेबी कोट की ना जो बेडशीट है ये मैंने खुद सी है, सारे फर्स्ट टाइम, लेकिन माशाल्लाह अच्छी सिल गई थी। तो ये कपड़ा मैं ले आई थी बाज़ार से, तो मैंने ट्राई करने के लिए, ऐसे मैंने कहा कि मैं ट्राई करती हूँ, तो बहुत अच्छा सिल गया। तो बस जी अब काम कंप्लीट तकरीबन हो चुका है, डस्टिंग वगैरह पर्दे सब मैंने रमज़ान से 2 दिन पहले कर लिया था, सारा कुछ पर्दे वगैरह सब धो लिए थे, तो जितनी चीज़ें धोनी थी धो ली थी। तो बस जी अब रेडी हो गई हूँ मैं। ये सूट मेरी सास ने मुझे सी के दिया है, तो यही पहने और उनका था ये पहन लेना पहले दिन, माशाल्लाह बहुत अच्छा। तो जी सहरी में मैंने ये कीमा टिंडे खाए थे और बीफ का सालन था, चाय बनाई थी और रोटी थी बस। तो बच्चों को मैंने यही जगा के रखती हूँ, रमज़ान की हमारी ये रूटीन होती है ना कि बच्चे और हम सब रात पूरी जागते हैं, सोते नहीं हैं, और फिर फजर की नमाज़ पढ़ के 6-7 बजे सो जाते हैं। फिर ऐसे दिन में बच्चे उठते भी नहीं हैं, तंग भी नहीं करते और हम ख़ुद भी नहीं उठते। हम उठते हैं नमाज़ वगैरह पढ़ के, कुरान पढ़ के फिर वापस सो जाते हैं, तो या लेटे रहते हैं, कोई काम नहीं करते। फिर 4-5 बजे हम उठ के अफ्तारी की तैयारी करते हैं, तो जितने भी काम वगैरह हम लोग मगरब के बाद सारे स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे अच्छा रहता है, रोज़ा भी नहीं लगता और थकन भी नहीं होती, तो इसीलिए।